स्वागत है आपका चौक एंड डस्टर अकेडमी प्लेटफॉर्म पे। आज इस प्लेटफॉर्म पे आपको 11th क्लास IIT और नीट की केमिस्ट्री शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे पहले आपको केमिस्ट्री की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको इसका बेसिक पता हो। और बेसिक्स के लिए आज हम आपके लिए आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी पीरियोडिक टेबल है, और इस पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा हमने अलग अलग भागों में बांटा है। और इस पीरियोडिक टेबल को पढ़ने के बाद आपको केमिस्ट्री बड़ी ही आसान समझ में आने शुरू हो जाएंगे। तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हो, मैं इसको जहाँ जहाँ ये अंडरलाइन में आपको ये ब्लैक कलर की आपकी दिख रही होगी स्क्रीन पे, इसका नाम रख दिया है, या इसका नाम है एस ब्लॉक। और जो ये आपको जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन पे एक लाइन कर रहा हूँ दिख भी रही होगी आपको, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। और ये 3 से लेकर और ये 12 तक की 20 को बोलते हैं डी ब्लॉक। ये आपको पहले मैंने इनको 3 भागों में बांट रखा है। पहली से शुरू किए 1 और 2, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। और 3 से लेकर 12 तक की जो आपको ये दिख रहे हैं, इन दिखने के नाम आपको सोच रहे होंगे दिख रहे होंगे, इन दिखने को कहते हैं तत्व। ये जितने भी सारे हैं इसमें 118 तत्व होते हैं। पहली बात को समझें कि इसमें कितने होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल, 118 तत्व। लेकिन पूरे नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, सबसे पहले ज़रूरत जो है आपको पढ़ने की है, सबसे पहले जो ज़रूरत है पढ़ने की वो सिर्फ आपको जो ये मैंने आपको ये समझा दी है स्क्रीन पर, इतनी ज़रूरत है पढ़ने की। और आपको देखें इतने आपको समझ में आया, फिर मैं आपको एक बार दोहरा रहा हूँ। जो ये आपको ये 2 दिखे जिसमें मैंने टिक लगा दिए गए हैं आपको, ये वाले और ये वाले, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। और यहाँ से यहाँ तक की जो ये होते हैं, ये होते हैं आपके पी ब्लॉक। और यहाँ से लेकर 3 से लेकर 12 तक के जो होते हैं, ये होते हैं आपके डी ब्लॉक। इतनी बात समझ में आई बच्चों? और अब आगे देखो, मैं थोड़ा सा और आगे की चलने की कोशिश करता हूँ, तो आपको दिख रहे होंगे यहाँ से जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इतने से ही एलिमेंट है। एलिमेंट बोल सकते हैं या हिंदी में बोल सकते हैं इनको तत्व बोलते हैं। जितने भी मैंने आपको ये आपने नक्शा सा बनाया होगा, ये सारे के सारे जो बच्चे ये प्लस के और माइनस के हैं। अब कहेंगे बच्चे ये सर ये प्लस और माइनस के हैं, बच्चे जो प्लस और माइनस होते हैं इनको बोलते हैं उपधातु। उपधातु, अच्छा सर। और यहाँ से यहाँ तक कि आपको दिख रहे होंगे, जहाँ तक कि मैंने इसमें अंडरलाइन कर दी थी, एक भी रही होगी आपको ये यहाँ तक के, जहाँ से ये मैंने ऐसे निशान से लगा दिए गए हैं, जितने भी ये सारे एलिमेंट हैं ये सारे के सारे प्लस में हैं। और प्लस के जो होते हैं वे होते हैं धातु। और जितने भी अभी आपके दिख रहे होंगे, इधर मैं लाइन कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, जितने भी आपको दिख रहे होंगे इनको बोलते हैं अधातु। और अधातु का मतलब होता है माइनस का। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? फिर मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको क्या है समझ में आने की लग जाए। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो जी अंडरलाइन है, इस अंडरलाइन की अगर आप उल्टे हाथ की तरफ या बाएं हाथ की तरफ देखोगे तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट है या तत्व हैं सारे के सारे प्लस के हैं। और जो प्लस के होते हैं ये होते हैं धातु। और धातु को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको मेटल बोलते हैं इंग्लिश में। और ये इधर से जब आप इसके सीधे हाथ की तरफ देखोगे, इस नक्शे की तरफ के, ये सारे के सारे आपको माइनस में दिखेंगे। और माइनस का मतलब है नॉन मेटल। और नॉन मेटल को अगर आप हिंदी में चाहेंगे तो इसको बोल सकते हैं अधातु। अधातु। और जिस पे मैंने अंडरलाइन बनाई है बच्चों, इसको हम बोलते हैं प्लस और माइनस। प्लस और माइनस का मतलब उपधातु। आपको दिख रहा होगा, थोड़ी सी हेडिंग दिख रही होगी आपको, इसको बोलते हैं उपधातु। मैं अगर आप सही चल रहे हैं तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आप कह रहे होंगे सर ये हमने समझ लिया तो इसका रूल क्या है? तो इधर देखिए आप, जो ये मैंने अंडरलाइन यहाँ पे करी है आपको दिख भी रहा होगा, इसके जो सीधे हाथ की तरफ हैं ये सारे के सारे माइनस के हैं, और इसके जो उल्टी तरफ या बाएं तरफ हैं इसको प्लस है। और जो ये मैंने नक्शा सा बनाया हुआ है बच्चे, ये प्लस और माइनस के, जितने ये प्लस हैं और ये माइनस है। मैं अगर आपको लिखने की कोशिश करूँ तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ प्लस और माइनस। जो ये होते हैं ये सारे होते हैं आपके उपधातु, और जो ये माइनस के होते हैं ये सारे के सारे होते हैं अधातु, और जितने भी ये प्लस के होते हैं ये होते हैं धातु। आप ये लिखते रहें साथ के साथ या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अब देखो धातु का मतलब क्या है? धातु का मतलब ये है जो क्या है, जो बच्चों टकराने पे आवाज करती है उसको धातु बोलते हैं।
जो टकराने पर क्या है आवाज नहीं करती उसको अधातु बोलते हैं, और जो इन दोनों के क्या गुण नहीं मिलते उसको उपधातु बोलते हैं। अगर आप धातु के उदाहरण देना चाहेंगे तो धातु के उदाहरण में आप लोहा दे सकते हैं, ठीक है, और अधातु में आपके लकड़ी दे सकते हैं, रबड़ दे सकते हैं, और उपधातु में इन दोनों को जो इन दोनों में ना है उसको उपधातु बोलते हैं। ये सबसे पहली बात यहाँ पर है। बच्चों थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन इस गलती को आप देख लें कि कैसे सर बता रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं। देखो गलती तो होती इंसान से ही है, पर फिर भी मैं आपको सही से समझाने का तरीका बता रहा हूँ। और इधर देख लीजिए, ये आपको पता लगी, मैंने आपको ये प्लस माइनस का भी बता दिया, और आप ये जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बच्चों, इधर देख लीजिए। सबसे पहली बात, ये जो आपको दिख रहे हैं इनमें इसके नाम को, जैसे इस वाले को बोलते हैं हेलोजन, और इसको सिंबल भी है, इसका सिंबल है एक्स, ठीक है बच्चों। और यहां से यहां तक की बात को समझे, इसको बोलते हैं हेलोजन तत्व। तो ये याद रख लेना, चार वो होते हैं, क्लोरा, फ्लोरा, ब्रोमा और हाइड्रो। यहां तक की बात को क्लियर, आगे की बात फिर बताता हूं मैं। अब ये जहां पर मैं अंडरलाइन इस वाली लाइन पे कर दिया बच्चा, इस लाइन को बोलते हैं अक्रिय गैस। अक्रिय गैस बच्चों, अक्रिय गैस का मतलब है जो किसी के साथ क्रिया ना करे, अक्रिय गैस, या इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं नोबल गैस भी बोलते हैं, इनके बहुत से नाम, अक्रिय गैस बोल सकते हैं, नोबल गैस भी बोल सकते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर इनकी बात में, पर आप हमेशा ही ध्यान रखना इस पीरियोडिक टेबल में पूरी केमिस्ट्री में कि जो चार नाम है इन चार को ही बोलते हैं एक्स। एक्स का मतलब ही बताया मैंने, हेलोजन। ये याद रखने की बात है, इसको याद रखना है। यहाँ तक की बात को हमने समझ में आया, आ जाए अब इधर आ जाए। सबसे पहले अगर मैं इस वाली लाइन की बात करूं बच्चों लोग, पहले लाइन की बात को मैं आपको समझा देता हूं। इसको बोलते हैं, अगर हिंदी में जाएं तो क्षारीय धातु बोलते हैं बच्चों, क्षारीय धातु। और अगर मैं दूसरी अंडर लाइन की बात करूं बच्चों, तो इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा क्षारीय मृदा का मतलब अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं क्लियर कर सकता हूँ। मृदा को जैसे मिट्टी में पाए जाने वाले तत्व या एलिमेंट, उसको बोलते हैं मृदा। यहाँ तक की बात को समझ में आया हो, आगे की बात को क्लियर करता हूँ। देखो इसमें इतने सारे एलिमेंट याद करने की जरूरत नहीं है, जितने पेपर के लिए हमें याद हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये आपको सी याद होना चाहिए, सी बोले तो कार्बन। यहाँ से यहाँ तक कि ये आपको चार पता हो, और थोड़े से मैं लिखवा देता हूँ, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं थोड़े बहुत लिखवा दूंगा, जिससे क्या है ये आपको ज़्यादा याद करने की क्या है कोशिश हो जाए। सबसे पहले आप अगर कार्बन की बात करेंगे, क्लोरा फ्लोरा ब्रोमा की बात करेंगे, और अगर हम इधर भी जाएं, इधर आप दिख रहे हैं, मैं इधर अंडरलाइन कर रहा हूँ, इधर भी देख सकते हैं आप लोग। चलिए देखो, मैंने अभी कार्बन बताया, इसका नाम कार्बन है, ये क्लोरा फ्लोरा ब्रोमा हाइड्रो है, और ये क्या है, ये आपकी क्षारीय धातु है और ये क्षारीय मृदा धातु है। अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं, जैसे मैंने अभी आपको प्लस वाले बताएं और ये माइनस वाले, बच्चे जब कोई प्लस और माइनस दोनों आपस में मिलते हैं तो बच्चे ये बनाते हैं आयनिक बंध, आयनिक बंध बनाते हैं। अगर कोई भी तत्व माइनस माइनस मिलके बना रहे हैं, माइनस माइनस, जैसे दो तत्व मिलके माइनस माइनस है, तो उसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध। और जो बच्चों प्लस और प्लस मिलके बनाते हैं उसको बोलते हैं धात्विक बंध। बच्चों बंध तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। अगर कोई तत्व प्लस माइनस हो तो वो हमेशा बनाएंगे आयनिक बंध, और जो माइनस माइनस होते हैं वो सहसंयोजी बंध बनाते हैं, और जो प्लस प्लस होते हैं वो बनाते हैं धात्विक बंध। जी सर समझ में नहीं आया, सर समझ में नहीं आया, देखो अब समझ में आएगा। इधर देखिए जी, आप सब स्क्रीन पर इधर उधर ना देखें, सीधा स्क्रीन पर रखें नजर अपनी, तो समझ में आ जाएंगी चीजें को। देखो जैसे मैंने आपको एक ही निया नामक का फॉर्मूला है, ये NaCl, आपने ये दिखा हो, देखा होगा कहीं बार भी देखा होगा NaCl। बच्चों Na और Cl ये जो है इसकी नमक का फॉर्मूला है, आप इसमें नमक में देखो, ये भी नमक में Na तो होता है बच्चे माइनस प्लस का, और Cl होता है माइनस का, आप देख सकते हैं। देखो ये आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, माइनस का Na है, Cl है, और Na कहाँ, इधर ये रहा Na। तो बच्चा मैंने बताया था कि अब प्लस और माइनस जब मिलते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, या हिंदी में बोल सकते हैं आयनिक बंध। इंग्लिश में आयनिक बॉन्ड बोलते हैं और हिंदी में आयनिक बंध बोलते हैं। यहाँ तक की बात को क्लियर,
आगे की बात हम अगली क्लास में करेंगे।